इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रिवीजन एनसीईआरटी लेवल की सिर्फ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये आइडिया स्टार्ट हुआ था डिस्प्लेसमेंट करंट से। डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या बताया जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट में ये बताया जाता है कि अगर आप कुछ ऐसा सर्किट लेंगे जिसमें कि ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स हैं, ये मान लो पी एंड क्यू आपके कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, एंड अगर ये एक कोई भी वायर है और ये एक क्लोज्ड पाथ है, दिस इज अ क्लोज्ड पाथ, तो इसमें अगर मैं बी डॉट डी एल लगाऊंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल मेरे को आंसर क्या मिलेगा, म्यू नॉट टाइम्स इसमें कितना भी करंट जा रहा है। और अगर मैं इसमें ये सेम लॉ लगाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, जीरो। जबकि एम्पियर सर्किट लॉ क्या बताता है, एम्पियर सर्किट लॉ ये बताता है कि पूरे सर्किट में कहीं भी क्लोज पाथ ले लिया जाए आंसर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई ही आना चाहिए, क्योंकि आई करंट पूरे सर्किट में मूव करता है। तो ये एक प्रॉब्लम थी, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो जो मैक्सवेल है उसने डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया दिया, तो शायद एनसीईआरटी में डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर क्वेश्चन भी शायद नहीं आएगा, मुझे पता नहीं, शायद ऐसा बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट है नहीं, बट आपको पता होना चाहिए है ओके, नहीं है, बस एक लाइन में तभी बता रहा हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट करंट में बस यही है कि उन्होंने ये कहा था कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि पीछे से करंट की वैल्यू जब हम इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लेट्स के बीच में चेंज होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा, और वो डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू है वो म्यू नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी है, वेयर डी फाई बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड अ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो ये आपको पता होना चाहिए, हालांकि डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर शायद क्वेश्चन ना भी आए। तो इसलिए जहां पर वायर मिलेगी आपको, फिजिकल वायर, वहां बी डॉट डी एल आएगा म्यू नॉट इनटू आई, और जहां वायर नहीं मिलेगी वहां आएगा म्यू नॉट इनटू डिस्प्लेसमेंट करंट। ये पहला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट करंट का। दूसरा पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ईएम वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड वेव की प्रोपेगेशन भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है, बोथ आर परपेंडिकुलर, तो वेव की प्रोपेगेशन इसी तरीके से है, तो इस तरीके से है। नेक्स्ट है, इसमें यह बता रखा है इस पैराग्राफ में कि देयर इज अ ग्रेट सिमेट्री इन नेचर। सिमेट्री इन नेचर का मतलब है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइट टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव राइट टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड व्हेन बोथ चेंजेस साइमल्टेनियसली दे गिव राइज टू अ डिस्टर्बेंस विच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोनों एनर्जी ट्रेवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट है 1/√μ0 ε0, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो प्रॉपर्टीज के ऊपर इसमें से क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज में पक्का क्वेश्चन आएगा। तो प्रॉपर्टीज के अंदर ई एम वेव प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड वेव की प्रोपगेशन भी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। ई एम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस, आता है ये पॉइंट कि ई एम वेव को कैसे जनरेट करते हैं, बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। फिर ये आएगा, ई एम वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, तो इसलिए मीडियम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम में ट्रेवल करता है, फ्री स्पेस में ये ई एम वेव की वेलोसिटी है, और अगर मीडियम चेंज करेंगे तो म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। नेक्स्ट है, ई एम वेव्स ऑबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज टेक प्लेस एट द सेम टाइम एट द सेम स्पेस। तो एक टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, उसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, ये बताया जा रहा है साइमल्टेनियसली। एंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पोनेंट, क्योंकि ई चेंज हो रहा है तो बी भी चेंज हो रहा है, इन दोनों की रेशियो हमेशा एक कॉन्स्टेंट रिजल्ट देगी, उसको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो अगर ये मीडियम वैक्यूम है तो आंसर सी आएगा, अगर वैक्यूम नहीं है तो वी आएगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की इक्वली डिवाइड होती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। इलेक्ट्रिक वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, जो हम लाइट देख पाते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर के लिए, लाइट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक, ये नेक्स्ट पॉइंट है। प्रोडक्शन ऑफ ई एम वेव में पेपर में आता है, प्रोडक्शन ऑफ ई एम वेव में के अंदर कि इसमें ये पूरा पैराग्राफ सिर्फ एक ही चीज बता रहा है कि एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो ई एम वेव को जनरेट करता है, रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज नहीं करता, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ चार्ज नहीं करता, एक्सेलरेटेड चार्ज करता है। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है,
ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ई एम वेव. ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ई एम वेव का मतलब होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड वेव की प्रोपगेशन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो ये पता होना चाहिए. तो इसका प्रूफ तो खैर नहीं, मुझे नहीं लगता कि कभी आया हुआ है, बट इसका प्रूफ मुश्किल है ट्रांसवर्स नेचर का. इसके ऊपर प्रॉपर्टीज आएंगी जहाँ तक मुझे लगता है. ये प्रूफ, इस प्रूफ की जगह हम सीधा प्रॉपर्टीज पे आते हैं. जिसको करना होगा ये पुराने रिकॉर्डिंग से कर लेगा, अगर चेक कर लेगा. वैसे आया नहीं है, हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट भी नहीं आता. स्पेक्ट्रम पे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे. क्या आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे, ये आता है कि इस केस में कि द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईएम रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. कि ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग वेवलेंथ में अगर हम अरेंज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तो हम बोलते हैं कि वो उसका स्पेक्ट्रम है. तो इसके अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि दिखाई देती हैं, उसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट है. दिस इज विजिबल स्पेक्ट्रम. प्रॉपर्टीज हैं ईएम स्पेक्ट्रम की. ईएम स्पेक्ट्रम की पहली प्रॉपर्टी है गामा रेज की. ये न्यूक्लियर ओरिजिन से आई हुई हैं. न्यूक्लियर ओरिजिन का मतलब न्यूक्लियर, कोई बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होता है तो गामा रेडिएशन निकलती हैं. तो पूछेगा वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, न्यूक्लियर ओरिजिन है इनका. ठीक, ये हम एनसीईआरटी के टेबल से याद करेंगे कि कौन सी क्या फ्रिक्वेंसी है, एनसीईआरटी का टेबल बताएगा. एंड ये हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन है. एक्सरेज अटोमिक ओरिजिन से आई हुई हैं एंड आर प्रोड्यूस व्हेन टारगेट ऑफ एलिमेंट हैविंग हाई एटॉमिक नंबर इज बम्बार्डेड बाय द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन. तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अंदर के शेल पे हिट करते हैं, इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, जब नीचे गिरते हैं तो एक्सरे जनरेट होता है. इसलिए इसको बोलते हैं अटोमिक ओरिजन है. तो गामा रेज जो है वो न्यूक्लियर ओरिजन है. न्यूक्लियर ब्रेक करता है, इसमें न्यूक्लियस ब्रेक नहीं करता, इसमें एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ये फ्रीक्वेंसी बाद में याद करेंगे, दिखाऊंगा कहाँ से करनी है. अल्ट्रा वायलेट रेज जो है इज अ पार्ट ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम. सोलर स्पेक्ट्रम का पार्ट है ये एंड कैन बी प्रोड्यूस बाय आर्क्स ऑफ मर्करी एंड आयरन. मर्करी और आयरन के आर्क्स जो हैं उनको मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक आर्क्स हैं, बिजली के आर्क्स हैं, तो उनसे अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं. विजिबल लाइट जो है इमिटेड ड्यू टू अटोमिक एक्साइटेशन, सबको पता है इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर नीचे आता है तो विजिबल लाइट बाहर निकलती है. इंफ्रारेड रेज हीट रेडिएशन से निकलती है, सबको पता है ऑल हॉट बॉडीज आर सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस. माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, एलसी ऑसिलेटर या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की हेल्प से ये माइक्रोवेव निकलती हैं. रेडियोवेव्स ऑसिलेटिंग सर्किट से, ये भी एलसी ऑसिलेटर से प्रोड्यूस की जा सकती हैं. एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यूजेस के ऊपर एक आज प्रूफ आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मीन्स इसकी प्रॉपर्टी आ सकती है. तो रेडियो एंड माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम. एंड रेडियो एंड माइक्रोवेव की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि ईएम वेव्स हैं, इनकी स्पीड 3 × 10⁻¹ है. रेडियो वेव्स ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. रेडियो वेव गेट डिफ्रैक्टेड फ्रॉम ऑब्स्टिकल, ये डिफ्रैक्शन शो करती हैं. ये हीट प्रोड्यूस करती हैं व्हेन एब्जॉर्ब बाय मैटर. एप्लीकेशंस वायरलेस कम्युनिकेशन या टीवी सिग्नल्स के अंदर काम आती हैं. रेडियो एस्ट्रोनॉमी के अंदर काम आती हैं. रडार सिस्टम में काम आती हैं. माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स आर यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन में काम आती हैं. माइक्रोवेव ओवंस आर यूज फॉर कुकिंग एंड माइक्रोवेव्स आर यूज इन स्टडी ऑफ अटोमिक एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर. ये प्रॉपर्टी आती है पेपर में कि कौन सी ऐसी वेव है जो अटोमिक और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के काम आती है, तो आप इसमें माइक्रोवेव लिख सकते हैं. नेक्स्ट है इंफ्रा. इंफ्रा की प्रॉपर्टी वही है सेम, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब शो करती हैं, कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है इसमें. एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है. तो जब ये नीचे अर्थ के ऊपर आती हैं, अर्थ को गर्म रखती हैं. एंड कोल डिपॉजिट जो है, कोयला बनता है वो गर्मी से, जब जो है आपको सबको पता है. सोलर वाटर हीटर्स एंड कुकर्स और वेदर फोरकास्टिंग यूज फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स इन केस ऑफ फॉग एंड स्मोक, क्योंकि इस केस में इंफ्रारेड रेज को लाइट नहीं चाहिए फोटो खींचने के लिए, हीट चाहिए, तो हीट मिल जाती है. फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सैटेलाइट्स प्रोड्यूस करने के काम आती हैं और मस्कुलर स्ट्रेन्स को ठीक करने के काम आती हैं. तो अल्ट्रा वायलेट रेज के अंदर भी ये सेम वही प्रॉपर्टी शो करती हैं, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन सब शो करती हैं ये भी. एंड इसके अंदर एप्लीकेशंस यूज फॉर चेकिंग द मिनरल सैंपल्स, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरसेंस शो करती हैं,
जिनके ऊपर गिरे हैं तो वो चमकती है चीज़। अल्ट्रा वायलेट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आर यूज इन स्टडी ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, तो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर भी काम आती हैं। डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड हैंस यूज फॉर स्टेलाइजिंग दी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के काम आती हैं। फोटोग्राफिक अफेक्ट शो करती हैं ये। एक्सरेज जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं सीधा। एक्सरेज के अंदर सर्जरी के अंदर काम आती हैं, पता ही आपको कहाँ कोई क्रैक है या कोई चीज़ बोन के अंदर, वो देखने के काम आती हैं। स्किन डिजीज को ट्रीट करने के लिए काम आती हैं। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूज़ करते हैं किसी रेलवे ट्रैक के क्रैक को चेक करने के लिए, वहाँ काम आती हैं। एंड इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग दी पर्ल्स इन ऑयस्टर, टेस्टिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ दी इंसुलेटिंग मटीरियल, होमोजेनिटी ऑफ टिम्बर। तो ऐसी बहुत सारी वैसे आई नहीं है इसके ऊपर कभी ये एप्लीकेशन, और कोई खास ऐसी नहीं है जो आई हो कभी पेपर में। ऐसी गामा रेज के अंदर ये सेम प्रॉपर्टीज हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं। और एप्लीकेशन रेडियोथेरेपी में काम आती हैं, कैंसर एंड ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट में काम आती हैं गामा रेज, एंड यूज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के काम आती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर काम आती हैं। तो अर्थ का एटमोसफेयर के बारे में भी एक बार रीडिंग कर लेना कि क्या अर्थ का एटमोसफेयर है, बस सफिशेंट है ये। प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव्स, हाइट ऑफ एंटीना मेरे को लगता नहीं है, कभी मैंने देखा नहीं आता हुआ, फिर भी दूर मैं बता देता हूँ हाइट ऑफ एंटीना कैसे निकलता है। वैसे इसका आने का चांस कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्टैंडर्ड क्वेश्चन में बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आएगा, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आपकी बुकलेट के अंदर ये आखिरी में ऐसा कुछ चार्ट गिवन होगा, ये वाला चार्ट गिवन है, एक एनसीईआरटी का चार्ट भी, ये टेबल में से पक्का क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप ये छोड़ के जा रहे हैं आप जरूर अपने नंबर कटा के जाएंगे। तो ये आएगा ही आएगा, रेडियो माइक्रो इंफ्रा लाइट अल्फा गामा और एक्सरेज और गामा। तो वो आएगा कि ये वेवलेंथ की रेंज है, वेवलेंथ की वैल्यू आप चेक कर लो इसमें कैसे डिक्रीज हो रही है। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो वो क्वेश्चन दे देगा कि सारी रेज का नाम देगा, कहेगा कि इंक्रीज अरेंज करो इन्हें, इन तीन वेव दे देगा कोई भी, इन्हें अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ डिक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ये चार्ट आपने याद करना है। और वर्स्ट क्वेश्चन ये देगा, वो कहेगा कि किसी भी माइक्रोवेव है या इंफ्रारेड रेज है उसकी वेवलेंथ मान लो 50 mm है, 50 mm है, तो 50 mm है तो वो किस रेंज में लाई करती है, 50 mm इंफ्रारेड रेज के बीच में लाई करती है। तो आपको ये वैल्यूज भी याद करके जानी है कि यहाँ से क्या रेंज है और जिसके बीच में ये रे लाई करेगी। तो वो कहेगा कि ठीक है कोई वैल्यू दे देगा आपको वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ की देते हैं नॉर्मली, पूछेगा कि ये कौन सी वेव को रिप्रेजेंट करती है। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा प्रोडक्शन पे पक्का क्वेश्चन आता है। तो रेडियो वेव वैसे तो ऑसिलेटिंग सर्किट से काम आता है, पर रेडियो वेव की प्रोडक्शन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स। तो एरियल का मतलब एंटीना, तो एक्सेलरेटेड चार्जेस, एक्सेलरेटेड चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स करोगे उनकी स्पीड को कम या ज्यादा करोगे तो एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस ईएम वेव। तो ये इसका क्या है, इसका प्रोडक्शन है। डिटेक्शन क्या है, एरियल्स एंटीना लगा के इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, मतलब एंटीना ही इसे प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीना ही इसे डिटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव में क्लेस्ट्रॉन वाल्व या मैग्नेट्रॉन वाल्व गिवन है, याद ही कर सकते हो, इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह हमारे पे नहीं है हमारे पास। और माइक्रोवेव वैसे ऑसिलेटिंग सर्किट से भी प्रोड्यूस की जाती है जो मैंने बताया था। एंड पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स, डायोड्स डिटेक्ट कर लेते हैं इसे, तो कैसे करते हैं हमने नहीं करना, कि किसे डिटेक्ट करते हैं, माइक्रोवेव प्रेजेंट है कि नहीं। इंफ्रारेड रेस एटम एंड मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होते हैं, एंड डिटेक्ट के लिए फोटोग्राफिक फिल्म से डिटेक्ट हो जाता है क्योंकि फ्लोरोसेंस शो करता होगा। लाइट में और लाइट जो लाइट है इलेक्ट्रॉन इन एटम जो है वो क्या हो जाता है, एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे मूव करते हैं, एक्साइट होते हैं और नीचे गिरते हैं, तो लाइट वेव जनरेट होती है। तो दी आई या फोटो सेल या फोटोग्राफिक फिल्म से डिटेक्ट हो सकता है कि एक नॉर्मल लाइट जो है वो गिर रही है। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन इन एटम मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, सेम एक्साइटेशन है। एंड फोटो सेल फोटोग्राफिक प्लेट, सेम इसका आंसर है। एक्सरेज में एक्सरे ट्यूब्स हैं या इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके नीचे गिरा जाता है तो एक्सरे जनरेट होती हैं, और ये भी गीगर ट्यूब से डिटेक्ट होती हैं, आयनाइजेशन चैम्बर से डिटेक्ट होती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर से डिटेक्ट होती है। तो कोई भी एक मेथड याद कर लो डिटेक्शन का और एक प्रोडक्शन का। ऐसी गामा रेस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस टूटता है तो गामा रेस प्रोड्यूस होती हैं, और सेम चीज़ है फोटोग्राफिक प्लेट और इससे डिटेक्ट होती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। फिर अगला क्वेश्चन इस पर आ सकता है कि आपके सामने गामा एक्स अल्ट्रा वायलेट ये सब गिवन है, माइक्रोवेव शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव्स। तो इसके अंदर ये आपको कहेगा कि वायलेट ब्लू ग्रीन येलो रेड की वेवलेंथ का कि रेंज लिखो,
या ये कलर की रेंज क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन तो मैंने बताया कि इस चार्ट में से आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टीज में से आएगा, तीसरा क्वेश्चन आएगा और बहुत ज़्यादा आता है ये कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती हैं क्या वो एनर्जी कैरी करती हैं, आंसर यस। क्या वो मोमेंटम कैरी करती हैं, आंसर यस। मोमेंटम भी कैरी करती हैं और एनर्जी भी कैरी करती हैं, वो इसके बारे में कहेगा कि बताओ करती हैं या नहीं करती, तो आपका आंसर होगा यस वो करती हैं। क्लियर है यहाँ तक? एंड वो कहेगा एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दो ऐसा होता है, तो आप लिख सकते हैं कि सन से हमारे यहाँ पर क्या आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं और किसी भी चीज़ पे गिरती है तो सनलाइट से क्या हो जाता है, गर्म गर्म हो जाती है कोई भी बॉडी, लाइट दिखती है, लाइट ईएम वेव है, बॉडी गर्म होती है तो इंफ्रारेड रेज है उसके अंदर, तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं कि वो एनर्जी कैरी करती हैं। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। और इसके अंदर अगर मोमेंटम कैरी करती हैं तो आप वो याद है फोटोन पिक्चर हमने लिया था, फोटोन पिक्चर में वो मोमेंटम का फॉर्मूला लिख देना एच बाई लैम्डा जो हमने किया था, तो वो फॉर्मूला जो है वो इसका मतलब ये शो करता है मोमेंटम कैरी होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। फिर ये आ सकता है कि एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, और ये एनर्जी आधी इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है आधी मैग्नेटिक होती है, इसका प्रूफ आएगा, अगर आएगा, वैसे कम आया है पर फिर भी प्रॉपर्टीज में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करती हो तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई का स्क्वायर, तो एनर्जी डेंसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी क्या है, हाफ इंटू बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक की फॉर्म में एनर्जीज की। हम एक काम करते हैं दोनों को डिवाइड कर देते हैं, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो डिवाइड करके ये टर्म आएगी और ई बाय बी की रेशियो क्या होती है सी, और इसकी रेशियो भी क्या होती है वन बाय सी स्क्वायर, तो यहाँ से सॉल्व करके वन आ गया। इसकी रेशियो वन बाई सी स्क्वायर क्यों है, क्योंकि सी का ये फॉर्मूला इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वन बाई सी स्क्वायर ही आएगा, और ई बाई बी तो पता ही है सी होता है, तो साफ पता लग रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी की रेशियो क्या है वन, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, तो आधी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक आधी मैग्नेटिक है, ये प्रूफ किया जा सकता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, तो ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि आप तीन साल का पेपर तो करें ही करें सॉल्व, जिसमें क्या क्या ई एम वेव आया हुआ है, या कोई भी तीन साल का पेपर तो सॉल्व करना ही करना है, और यूलाई का जो भी सैम्पल पेपर है या कोई भी आप सैम्पल पेपर जब करते हैं उसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे प्रैक्टिस होगी, और मोर ओवर अगर आप टेस्ट दे दोगे फिर तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि टेस्ट के अंदर मैंने सारे 10 ईयर के पेपर जो है उसके छांट छांट के बना रखा है पेपर, तो उससे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है।